कहते हैं लुकिंग सीवियर सीवियर मतलब थोड़े कड़े दिखाई देते हुए नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम रीड योर नाइस एसी चाइलस एंड बी क्वाइट नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम बिल्कुल उनके जैसा नहीं इन द लीस्ट लाइक हिम उनके जैसा तो है ही नहीं तुम टप लो बेहतर होगा कि तुम ऐसी चाइलस पढ़ो अर्थात वो राइटर का नाम है देखिए ऐसी चायलस इज द नेम ऑफ द ग्रीको ग्रीक राइटर यूनानी राइटर का नाम है और उसकी पुस्तक का नाम जो आगे दिया हुआ अग्ने ममन दैट बुक इज दैट इज द बुक एंड एसी चाइलस इज द राइटर फेमस राइटर वेरी फेमस राइटर तो कहते हैं नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम उनके जैसा तो है ही नहीं टो रीड योर नाइस एसी चाइलस तुम ऐसी किताबें पढ़ो और चुप रहो बस एंड बी क्वाइट बहुत बोल दिया तुमने क्वाइट मतलब चुप टू बी क्वाइट मतलब चुप रहना यहां देखिए क्वाइट की स्पेलिंग क्यू यू आई टी e और एक होता है क्यू यू आई टी ई क्वाइट क्वाइट मतलब बिल्कुल यू आर क्वाइट स्मार्ट ही इज क्वाइट टॉल द कोट इज क्वाइट बिग यू आर क्वाइट टॉकेटिव तुम बहुत बात करते हो यार कोट थोड़ा बड़ा है वह बहुत स्मार्ट है वहां पर क्वाइट बहुत क्वांटिटी में नहीं लेकिन क्वाइट मतलब बहुत तुम बहुत अच्छे हो यू आर क्वाइट गुड तुम बहुत अच्छे हो तुम बहुत मीठा बोलते हो यू स्पीक क्वाइट स्वीट वो वहां की स्पेलिंग देख के क्यू यू आई टी ई -E. और ये स्पेलिंग है क्यू यू आई ई टी और उच्चारण है क्वाइट सो फ्रैंक कहता है बेहतर होगा तुम ये किताब पढ़ो और चुप रहो बहुत बोल दिया तुमने टपलो विट डिसलाइक अनिच्छा से ऐसी चायलस मैं उसे पढ़ू अनिच्छा दिखाते हुए कहता मैं उसे पढ़ू ऐसी अब ही टपलो इस किताब पर रिएक्ट करता है और जिस तरीके से अनिच्छा से बोलता है अरे सर आप भी क्या बोल रहे हैं सर इसको पढ़ू मैं तो फ्रैंक उसको कहता है लुक लुक वॉट टाइम डिड मिस्टर क्रोकर हैरिस टेल यू टू बी हियर तुमको कितने बजे मिस्टर क्रोकर हैरिस ने आने के लिए कहा था व्हाट टाइम डिड यू टेल यू टू बी हियर तुमको कितने बजे उन्हें आने के लिए कहा था तो लोग कहता है सिक्स थर्टी सर साढ़े छः बजे सिक्स थर्टी अब देखिए सिक्स थर्टी साढ़े बजे छह बजकर बीस मिनट को क्या बोलते हैं छह बजकर बीस मिनट को बोलते हैं सिक्स पास्ट ट्वेंटी छह बजकर बीस मिनट के लिए क्या होगा सिक्स पास्ट ट्वेंटी और छह बजकर चालीस मिनट कभी हम बोलते हैं क्या जैसे ही तीस मिनट ऊपर उप... बार होता है तो उसके बाद हम बोलते हैं छ बजकर चालीस मिनट को छ बजकर चालीस मिनट ना बोल करके हम बोलते हैं सात बजने में बीस मिनट तो उसको कैसे बोलेंगे सिक्स पास ट्वेंटी और यहां पे ट्वेंटी टू सेवन छ चालीस को हम बोलेंगे ट्वेंटी टू सेवन अर्थात ट्वेंटी मिनट्स टू सेवन सात बजने में बीस मिनट अर्थात छः चालीस तो ये याद रखें टू और पास्ट और टू का उपयोग फाइव पास सिक्स मतलब छ बजकर पाँच मिनट पाँच फाइव पास सिक्स मतलब छ बजकर पाँच मिनट एंड सिक्स पास फाइव मतलब पाँच बजकर छ मिनट तो याद रखेंगे पहले पास्ट के पहले कौन सा आवर आता है कि मिनट आता पहले मिनट आता फिर आवर आता तो so यहां पे सिक्स थर्टी सर फ्रैंक कहते हैं, वेल ही लेट अभी दस मिनट लेट हो वो तो अर्थात क्या है इसका मायने ये है कि ये जो बातचीत चल रही है वो दस पंद्रह मिनट की ही है क्योंकि सिक्स थर्टी बुलाया गया था सिक्स ट्वेंटी फाइव के आसपास ये पहुंचा होगा और 10 मिनट हो गए हैं 10 मिनट्स लेट बोल रहा है मतलब 6:40 हो गया तो करीब 15 मिनट की बातचीत है पूरी सो so, फ्रैंक कहता वेल ही इज 10 मिनट्स लेट व्हाई डोंट यू कट तुम चले क्यों नहीं जाते तुम थोड़ा तो निकल जाओ यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप बंद होने के पहले तुम अभी फिर जाके गोल्फ खेल सकते हो स्टिल मतलब अभी भी टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप लॉकअप मतलब बंद होना इससे पहले कि बंद हो तुम जाके फिर खेल सकते हो वाई डॉन्ट यू कट टप लो एकदम चौंक जाता है really रियली शॉकड एकदम चौंक जाता है इस बात को सुनकर कौन सी बात को सुनकर फ्रैंक की बात को सुनकर अरे तुम चले जाओ ना थोड़ा गोल्फ खेल लो कट इज ऑल्सो वर्ड गेम ऑफ गोल्फ तो वायर डेंट यू कट जाओ थोड़ा बुलेट खेल लो गोल्फ खेल लो यू को पहले बंद हो जाए तुम थोड़ा सा खेल सकते हो तो टॉपलो एकदम चौंक जाता है शॉक हो जाता है ओह नो आई कट कट द क्रोक मिस्टर क्रोकर हैरिस अब थोड़ा सा वो चौंक के बोलता है अह अरे नाना 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 मैं नहीं कर सकता मैं कट नहीं कर सकता कट द क्रोक मिस्टर क्रोकर हैरिस क्रोकर हैरिस को मैं करूंगा आई शुंड थिंक इट एवर बीन डन इन द होल टाइम ही नहीं सोचता कि वो ऐसा कभी हुआ हो उनके पूरे जीवन में जब से वो यहां हैं। आई शुड मैं बड़ी रिस्पेक्ट बता रहा है वो देखिए इसने कहा फ्रैंक ने Why don't you cut? Cut को highlighted word में दिया हुआ है ये cut जो word है ये golf का word है Golf में जो golfer के हाथ में जो जिससे वो golf खेलता है उसमें एक word use होता है cut. So he says, why don't you cut and play golf? तो ये लड़का टापलो कट का मीनिंग थोड़ा अलग लेता है ओके ओ नो 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 आई कांट कट कट मिस्टर क्रोक क्या मैं उनको काट दूंगा ओ ना 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 मैं तो ये सोच भी नहीं सकता मुझे तो सोचना भी नहीं चाहिए आई शुड नॉट थिंक शुंट को देखिए कैसे लिखा है उसको लिखने का तरीका है शुड नॉट लेकिन बोलते समय उसको बोलते हैं शुंट वुड नॉट को बोलते समय बोलते हैं वो कैन नॉट को बोलते हुए बोलते हैं can't बोलने की अंग्रेजी और लिखने की अंग्रेजी का अंतर इस कन्वर्सेशन में बहुत साफ है वो कहता है नो आई शुट थिंक मुझे तो सोचना भी नहीं चाहिए इट्स एवर बीन डन इन द होल टाइम ही हैज बीन हियर ही हैज को देखिए ही एपोस्ट एस और वो जो ऊपर जो कॉमा लगा हुआ है वो एपोस्ट्रॉफी कहलाता है एपोस्ट्रॉफी ए पी ओ एस टी आर ओ पी एच ई -E, एपोस्ट्रॉफी कॉमा उस एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है का के की और या किसी का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर किसका शॉर्ट फॉर्म है ही हैज़ बीन हियर बीन के साथ हमेशा क्या आता है हैज़ या हैड या हैव तो ही एक वचन है तो एक वतन होने के नाते हैज आएगा और हैज को पूरा ना लिख करके बोलते समय क्या बोलते हैं ही इज बीन हियर ही इज बीन हियर यहां पर जब से है मैं नहीं सोचता किसी ने ऐसा सोचा या सोचना चाहिए गॉड नोज वॉट वुड हैपन इफ आई डिड अरे यदि कहीं मैंने ऐसा किया भगवान जाने क्या हो जाएगा गॉड नोज वॉट वुड हैपन भगवान जाने क्या हो जाएगा ही वुड प्रॉब्ली फॉलो मी होम और समथिंग वो तो मेरे पीछे पीछे घर आ जाएंगे और या कुछ और कर बैठेंगे ही वुड फॉलो मी प्रोबेबली प्रॉबेबली मतलब संभवता वो संभवता मेरे पीछे पीछे आ जाएंगे और कुछ कर बैठेंगे घर आ जाएंगे कब यदि मैं गोल्फ खेलने चला गया तो ऐसा कोई हिम्मत नहीं कर सकता कि उनके बुलावे पर कोई उनको छोड़ कोई चला जाए कहीं और मतलब टॉपलो इज ट्राइंग टू टेल फ्रैंक द फियर दैट द स्टूडेंट्स हैव अबाउट मिस्टर क्रोकर हैरिस कि जैसा जा, उन्होंने कहा है वैसा करना एंड टॉपलो इज आल्सो ट्राइंग टू टेल फ्रैंक

कि अच्छी भावना से ईर्ष्या करता है बुरा नहीं सोच रहा है ईर्ष्या इस बात की कि देखो इतना वृद्ध शिक्षक उससे लोग डरते भी हैं लेकिन बहुत इज्जत भी करते हैं स्टूडेंट और एक हम लोग हैं ज्यादा इज्जत नहीं होती तो उनकी ज्यादा इज्जत के कारण जो श्रद्धाश्रय ईर्ष्या है उसकी बात क्या हो रिश्त रिस्पेक्ट एन वी विथ रिस्पेक्ट गॉड नोज वॉट वुड हैपन इफ आई डिड ही वुड प्रॉब्ली फॉलो मी होम और समथिंग पता नहीं क्या कर बैठेंगे यदि मैं चला जाऊंगा गोल्फ खेलने तो भगवान जाने वो क्या कर बैठेंगे वो पीछे पीछे आ जाएंगे ही विल फॉलो मी और कुछ कर बैठेंगे फ्रैंक कहता है I must admit, I envy him the effect he seems to have on you boys in the द I must admit, मुझे मानना चाहिए यार कि मिस्टर क्रोकर का जो प्रभाव इफेक्ट यानी प्रभाव आप लोगों पर है उसके मैं दाद देता हूं मेरे को ईर्ष्या है लेकिन वो ईर्ष्या इज्जत के साथ रिस्पेक्ट के साथ आखिर ऐसा क्या है उनमें जिसके कारण आप लोग उनकी इज्जत करते हो डरते भी हो यू ऑल सीम स्केयर टू डेथ ऑफ हिम सी मतलब महसूस होना सी मैंने दिखाई देना सी महसूस होना सो आई एनवी हिम आई एडमिट आई एनवी हिम द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉय तुम लोगों पर जो प्रभाव यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है उसकी मैं दाद देता हूँ। एक तरीके से मुझे ईर्ष्या हो रही है यू ऑल सीम इसकेर टू स्केयर मतलब डरना डराना यू टू स्केयर मैने डराना आप लोग बहुत से लोग खेती भी करते होंगे गांव से जुड़े हैं खेत में आप लोग बीच में एक लकड़ी खड़ी करते हैं उसके ऊपर मटका रख देते हैं उल्टा और मटके में हाथ बना देते हैं वो किस लिए करते हैं ताकि कोई चिड़िया जानवर वगैरह उसको देखकर सोचे कि कोई आदमी खड़ा है और आपकी फसल को नुकसान ना पहुंचाए अंग्रेजी में उसे स्केयर क्रो कहते हैं क्रो यानी कौवा स्केयर माने डराना कौवे को डराने वाला जो हम चीज बनाते हैं गांव में वो अंग्रेजी में कहलाता है स्केयर क्रो हिंदी में क्या कहते हैं काक भगौड़ा काक मने कौआ कौं को भगाने वाला यहां अंग्रेजी में कहते हैं स्केयर क्रो तो टू स्केयर मने डराना सो फ्रैंक इज सेंग आई एन वी मुझे मानना पड़ेगा मुझे बड़ी ईर्ष्या होती मैं दाद देता हूं कि उनका प्रभाव तुम तो उन लोगों पर कितना है यू ऑल सीम स्केय टू डेथ तुम लोग तो बहुत डरते हो उनसे स्केर्ड टू डेथ मर जाओगे इतना डरते हो बहुत ज्यादा डरते हो आखिर करते क्या है वो वॉट डज यू डू बीट यू ऑल और समथिंग क्या पिटाई करते हैं क्या या, या कुछ और भी करते हैं इतना क्यों डरते हो यार तुम लोग कि मैंने तुमको कहा कि गोल्फ खेलने चले जाओ थोड़ी देर के लिए तो एकदम घबरा के शॉकिंग तरीके से तुम जवाब दे रहे हो कि नहीं नहीं भाई सर चले जाएंगे तो ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता यहाँ पे नहीं तो वो तो घर आ जाएंगे पीछे पीछे और पता नहीं क्या कर बैठेंगे अर्थात बहुत डर लग रहा है बहुत डर लगेगा तो इस पर फ्रैंक कहता है इतना डरते हो तुम लोग इतना डरते हो मानो ऐसा लगता है कि मर जाओगे उनके डर से आखिर ऐसा क्या करते हैं वो पिटाई करते हैं क्या बीट हिम बीट यू पिटाई करते हैं या कुछ और ऐसा करके फ्रैंक पूछ रहा है टॉपलो से कि इतने घबराहट क्या कारण क्या है जरा बताओ तो तो टॉपलो कहता टॉपलो की नजर में क्या है वो जानना चाह रहा है कि टॉपलो या स्टूडेंट की नजर में हैरिस की इज्जत का कारण क्या है तो टॉपलो कहता है गुड लॉर्ड हे भगवान ही इज नॉट ए सैडिस्ट सर वो वो आदमी नहीं है जो दूसरे के दुख में खुश होते हैं सैडिस्ट एस ए डी आई एस टी टू बी सैडिस्ट इज अ वेरी बैड क्वालिटी ही इज नॉट द मैन भगवान ही इज नॉट ए सैडिस्ट सर वो वो आदमी नहीं है जो दूसरों के दुख में जो खुशी पाते हो लाइक वन और टू ऑफ द अदर्स एक दो दूसरे लोग जैसे वो खुश हो जाते हैं दूसरों के दुख में ऐसे ये नहीं है आई आग योर पार्डन क्या बोला तुमने जब टापलो ने सैडिस्ट शब्द का उपयोग किया और साथ में यह भी कहा कि जैसे एक दो लोग हैं ना सैडिस्ट सर ऐसे ये हमारे हेडमास्टर नहीं हैं और शायद इसीलिए हम लोग इतना डरते हैं उनसे इज्जत करते हैं मतलब डरने का मतलब क्या है इज्जत की डरते हैं तो फ्रैंक कहता है जरा फिर से बोलना क्या बोला आई बेग योर पार्डन ये शब्द को बहुत अच्छी तरह समझिए आपने सुना होगा कि जब अंग्रेजी में कोई कुछ बोल रहा है और उसको सुनाई नहीं दिया दूसरे को तो दूसरा उसे क्या कहता है फिर से बोलिएगा हिंदी में ऐसा कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं पार्डन सर क्या कहते हैं पार्डन सर पार्डन सर मतलब होता है कृपया फिर से बोलो जब भी हमें कोई बात सुनाई ना दे तो हम पार्डन सर ऐसा बोलते हैं इसका अर्थ होता है मुझे सुनाई नहीं दिया इसलिए कृपया फिर से बोलें लेकिन पार्डन का दूसरा अर्थ क्या है असली में पार्डन का असली अर्थ है माफ करना विल यू प्लीज पार्डन मी क्या तुम मुझे माफ करोगे My फादर हैज पार्डन मी मेरे पिताजी ने मुझे मेरे अपराध के लिए माफ कर दिया है तो पार्डन का अर्थ होता है माफ करना बेग का अर्थ होता है भीख मांगना अब यहां पर इसका मैं अनुवाद करूं यदि आई बेग योर पार्डन मतलब मैं आपके माफी की भीख मांग रहा हूं मैं आपके माफी की भीख मांग रहा हूं यह क्या मीनिंग हुआ अब इसमें देखिए पार्डन का अकेले यदि मैं बोलता हूं केवल पार्डन सर तो इसका मीनिंग मैंने क्या बताया कृपया फिर से बोलें मुझे सुनाई नहीं दिया कैन यू प्लीज रिपीट ये मीनिंग है पार्डन का तो आई बेग योर पार्डन का पूरे का अर्थ वही है जो आप केवल पार्डन कहने से समझते हो पार्डन सर मतलब आई बेग योर पार्डन आई बेग योर पार्डन मतलब मैं आपसे माफी मांगता हूं मुझे सुनाई नहीं दिया कृपया फिर से बोलें तो हिंदी में जिसे हम संक्षिप्त में कहते हैं जरा बोलना ना क्या बोले क्या बोला सर फिर से बोलिए सर तो उसको अंग्रेजी में इतना लंबा ना बोल करके संक्षिप्त में केवल पार्डन सर बोल देते हैं तो पर्याप्त है वैसे पार्डन का पूरा रूप है आई बेग योर पार्डन और टू पार्डन मतलब माफ करना और टू बेग मने भीख मांगना क्षमा मांगना मैं आपसे क्षमा की भीख मांग रहा हूं अर्थात मैं नहीं सुन पाया कृपया फिर से बोलें ये डे टू डे की भाषा में इसलिए इसको समझना जरूरी है अब फ्रैंक ने कहा क्या बोला फिर से जरा बोलना आई बेग योर पार्डन? क्या बोला फिर से बोलना टापलो कहता है ए सैडिस्ट सर समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन सर ही इज नॉट ए सैडिस्ट ये वो व्यक्ति नहीं है सैडिस्ट नहीं है सैडिस्ट मतलब सर सम वन गेट्स प्लेजर प्लेजर मने आनंद खुशी आउट ऑफ गिविंग पेन दर्द देकर दुख देकर किसी को दर्द और दुख देकर आनंद पाने वाले सर नहीं है हमारे हेडमास्टर इसलिए हम इज्जत करते हैं जबकि एक दो लोग ऐसे हैं जो दूसरों को तकलीफ देने में आनंद महसूस करते हैं दूसरों को दुख देने में खुश होते हैं तो फ्रैंक ने जैसे ही पूछा क्या बोला तुमने और साथ में तुमने सैडिस कहा और उसके बाद कहा लाइक वन और टू अदर एक दो लोग जैसे हैं दूसरे वैसे तो उसमें फ्रेंक ने क्या बोला तुमने टाप लो सर सैडिस मतलब वे लोग जो दूसरों के सुख में दूसरे की तकलीफ में आनंद पाते हैं और एक दो लोग ऐसे हैं फ्रैंक बोलता है इंडीड क्या वास्तव में इंडीड मतलब वास्तव में और प्रश्न चिन्ह लगा है क्या वास्तव में ऐसे हैं क्या तुम जो बोल रहे हो वो सच है इंडीड बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू अदर समर्स मुझे लगता है कि यू टू गो ऑन मतलब तुम जारी रखे क्या जारी रखे सैडेस्ट बोला तुमने और उसके बाद क्या जारी रखा ये कहना जारी रखा कि एक दो और लोग भी ऐसा तुमने ऐसा कुछ बोला ना

नाम ले टू तो मेंशन मतलब नाम लेना डोंट मेंशन दिस पॉइंट इस बात को मत बताना आई कैन नॉट मेंशन देयर नेम्स मैं उनका नाम नहीं बता सकता यू मस्ट मेंशन द टॉपिक एंड द चैप्टर अगेंस्ट योर आंसर अपने आंसर के बाजू में चैप्टर और टॉपिक का नाम जरूर लेना मेंशन सो टाप्लो ने कहा हाँ, सर मैं कुछ जो बोल रहा तुरंत उसने आधी बात को तोड़कर डॉट 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 जो लगा हुआ है इसका मतलब क्या है कि फ्रैंक आगे कुछ कहना चाह रहा था कि अदर मास्टर्स टैपलो ने तुरंत रोक दिया उनको और बोला यस सर ऑफकोर्स दे आर ऐसे कुछ लोग हैं जो दूसरे के दुख में दूसरे के तकलीफ में आनंद लेते हैं मजा लेते हैं आई वेंशन देयर नेम्स मैं उनका नाम नहीं लूँगा। बट यू नो देम एज वेल एज आई डू लेकिन आपको भी मालूम है वो कौन है जितना मैं जानता हूं उतना तो आप जानते हैं ऐसा कहके टॉप लो थोड़ा सीरियस हो गया सर आपको मालूम है आप जानते हैं सर कौन लोग हैं वो आप उतनी जानते हैं जितना मैं जानता हूँ, जब मैं उतनी जानता हूँ जितना आप जानते हैं अफकोर्स आई नो मोस्ट मास्टर थिंग वी बॉय डोंट अंडरस्टैंड दिंग मैं जानता हूं सर कि अधिकतर टीचर ये समझते हैं कि हम लड़कों को कुछ समझ में नहीं आता देखिए टॉपलो अपनी अपनी भावना व्यक्त नहीं कर रहा है इस नाटक में टॉपलो के माध्यम से लेखक ने कक्षा के बच्चों की भावना को सामने रखा है यहां साफ दिख रहा है कि टॉपलो कैसे कुछ टीचरों की हरकत से या बच्चे कैसे टीचरों की हर गतिविधियों को नोट करते हैं उस पर नज़र रखते हैं कैसे उनको ऑब्ज़र्व करते हैं कैसे उनके कामों पर रिएक्शन करते हैं और यहाँ टॉपलो कह रहा है कि सर आपको मालूम है ऐसे कौन लोग हैं मैं उतनी जानता हूँ आप ज़्यादा जानते हैं और साथ में आगे ये कहने की हिम्मत रखता है कि मुझे मालूम है सर कि अधिकतर टीचर्स ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर थिंग वी बॉज डोंट अंडरस्टैंड ए थिंग अधिकतर टीचर्स ऐसा समझते हैं कि हम लोगों को समझ में नहीं आता उन लोगों का जो व्यवहार है उन लोगों का जो रवैया होता है हम लोगों पर हंस देते हैं और हम लोगों पर हंस कर खुद हम लोगों की तकलीफ़ में हंस पड़ते हैं उनको लगता है हमको समझ में नहीं आता सर यू आर यंग आप सर बहुत यंग हो बहुत नए नए हो वेल कंपेरेटिवली एनी वे एनी वे फिर भी कंपेरेटिवली मतलब तुलना करें तो आप उन लोगों की तुलना में बढ़ जाए कंपेरेटिवली मतलब उनकी तुलना में फ्रेंक को कह रहा है टॉपलोप सर आप उन लोगों की तुलना में नए नए हैं लेकिन फिर भी और उसके अलावा यंग हैं नए हैं और फिर साइंस के टीचर हैं मतलब आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहता होगा ना साइंस के टीचर होने के नाते लैब में रहना पड़ता है काम करना पड़ता है और साइंस के टीचर थोड़ा उनकी सोच भी थोड़ी अलग ढंग की रहती है रीजनिंग करते हैं थोड़े रैशनल रहते हैं तो इस प्रकार वो साइंस के टीचरों की भी थोड़ी सी आ, बचाव कर देता है साइंस के टीचरों को थोड़ा अच्छा कह देता है लेकिन फिर भी कहता है एक दो टीचर ऐसे हैं सर आप जानते हैं इन टीचरों को ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ समझते नहीं आप तो यंग हो सर उनकी तुलना में तो यंग हो और साथ ही साइंस के टीचर हो यू मस्ट नो वॉट इज़ सर आपको मालूम होना चाहिए साइडिज्म क्या है आपको मालूम होना चाहिए कि दूसरे के आ, दुख में आनंद लेने का क्या मायने है कैसा है वॉट फैडिजम इज फ्रैंक थोड़ा रुक जाता है क्योंकि बड़ी सीरियस बात चल रही है बहुत गंभीर बात चल रही है इस गंभीर बात पे फ्रैंक कहता है आफ्टर ए पॉज पॉज मतलब थोड़ा रोक देना आपने सुना होगा ये शब्द आपके मोबाइल में पॉज़ रहता है वीडियो का आपके कंप्यूटर में पॉज़ रहता है पॉज मतलब रोक देना तो वो थोड़ी देर रुक जाता है अर्थात कुछ देर तक वहाँ पे कोई बातचीत नहीं हो रही शांत हो रहा है और वो कहता है गुड लॉर्ड व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू हमारे स्कूल अब किस लेवल पर कैसे हो रहे हैं कमिंग टू मतलब आ रहे हैं नहीं वाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू हमारे स्कूल अब कैसे हो रहे हैं ये एक तरीके से खिन्नता के साथ कह रहा है फ्रैंक। खिन्न क्यों हो रहा है क्योंकि टॉपलो जितनी गंभीर बात कर रहा है और अपने लहजे से वो सारी बात कर जा रहा है अपने पूरे फ्रेंड सर्कल के बारे में पूरी बात सामने रख जा रहा है और कहता है कि फ्रैंक कहता है कि क्या हमारे स्कूल का क्या हश्र होगा क्या वाट आर आवर स्कूल कमिंग टू ये कैसा स्कूल है ज हो गॉड वॉट आर अवर स्कूल कमिंग टू स्कूल का क्या हाल हो रहा है टॉपले सीरियसली कहता है एनी वे सर कोई बात नहीं सर द क्रॉक इज नॉट ए सैडस्ट क्रॉक जो है वो सैडस्ट नहीं है उनको दूसरों को तकलीफ देने में मजा नहीं आता सैडिस्ट मतलब आप कह सकते हैं पर पीड़क दूसरों को तकलीफ पीड़ा में आनंद लेने वाला व्यक्ति पर पीड़ा सजा देने पर मजा लेना किसी बच्चे को सजा दिए उस पर व्यंग करना किसी को परेशान किए उसके व्यंग करना किसी की पिटाई कर दिए आनंद लेना किसी को किसी भी तरह से उसकी तकलीफ में मजा लेना ये सैडिस्ट की क्वालिटी होती है तो टॉपलो कहता है सर क्रॉक इज नॉट ए सैडिस्ट दैट इज वॉट आई एम मैं यही कह रहा हूं कि वो सैडिस्ट नहीं है ये सैडिस्ट की बात शुरू कहां से हुई थी सैडिस की बात शुरू कहां से हुई थी ये सोचने की बात है आगे क्या कहता है टॉपलो ही वॉन्ट बी सो फ्राइटनिंग इफ ही वेयर बिकॉज एटलीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स ही वी सो फ्राइटनिंग इतने भयानक नहीं है सर जितना आपको लग रहा है जिसमें आपने कहा ना कि तुम लोग इतना डरते हो कि मर जाओगे यू यू सीम टू बी स्केयर अफिम टू डेथ तो इतने भयानक नहीं है सर ही इज नॉट सो फ्राइटनिंग फ्राइटनिंग मतलब भयानक टू फ्राइटन मतलब डराना टू स्केयर बने डराना तो दो शब्द आपको मिल गए डराने के स्केयर एंड फ्राइटन ही इज ही वॉन्ट बी सो फ्राइटनिंग इफ उतने भयानक नहीं सर यदि वो होते तो क्योंकि कम से कम बिकॉज एटलीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग क्योंकि कम से कम उससे ये तो पता चलता कि उनमें कुछ फीलिंग है उनके रिएक्शन से भयानक यदि होते खतरनाक होते डराने की आदत रहती तो कम से कम ये तो पता लगता कि उनमें फीलिंग है डराने की फीलिंग ही सही पर फीलिंग है लेकिन ऐसा नहीं है ही इज ऑल श्रिवेल्ड अप इन साइड लाइक ए नट वो बिल्कुल सिकुड़ गए सिकुड़ जाते हैं। बिल्कुल शांत चुप रहते हैं, अपने में ही रहते हैं। श्रिवेल अप सिकुड़ जाना इतने मुरझा गए कहना चाहिए इतने संकुचित संकोची हो गए हैं कि बिल्कुल अंदाज नहीं होगा कि उनका रिएक्शन क्या रहा ही इज ऑल श्रिवेल्ड अप पूरी तरह से वो अपने में ही समा गए हैं इन साइड लाइक ए नट कोई प्रतिक्रिया ही नहीं करते वो कभी कुछ रिएक्शन ही नहीं करते अंदर सब रखते हैं एंड ही सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम दो क्वालिटी की बात कर रहा है यहां हिम like उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि लोग उन्हें पसंद करें वे उन लोगों से सख्त नफरत करते हैं नफरत करते दिखाई देते हैं नफरत करना ऐसा लगता है ऐसा महसूस होता है कि मिस्टर क्रोक उन लोगों से नफरत करते हैं जो श्रीवल को पसंद कर, जो जो क्रोक को पसंद करते हैं मिस्टर क्रोक नेवर लाइक एनी बडी लाइकिंग हिम वो इतने अपने में सिकुड़ गए हैं अपने दायरे में रहते हैं अपनी दुनिया में रहते हैं ही सो so और कोई रिएक्शन ही नहीं होता कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होती अरे कम से कम दूसरे के दुख में आनंद लेने की ही प्रतिक्रिया कर दें पर वो भी नहीं करते किसी तरह की प्रतिक्रिया होती ही नहीं एटलीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स कम से कम उससे ये तो दिखाई देता कि उनके अंदर में कुछ अनुभूति है फीलिंग्स माने अनुभूति हार्ड फीलिंग्स कड़वी अनुभूति गुड फीलिंग्स अच्छी अनुभूति सो ही हैड सम फीलिंग्स कम से कम ये तो दिखाई देता लेकिन वो तो वैसे भी नहीं है कुछ भी नहीं दिखता ही इज नॉट ही इज ऑल श्रिवेल्ड अप वो तो पूरे अपने में समा गए हैं मुरझा गए हैं अपने अंदर ही हो गए हैं इनसाइड लाइक ए नट एक नट की तरह नट मतलब क्या होता है वो वाला नट नहीं नट बोल्ट का नट नहीं नट मतलब ऐसा कोई सा भी ड्राई फ्रूट जो जिसका ऊपर कड़ा होता है और अंदर नरम होता है जिसके ऊपर कड़ा होता है और अंदर नरम होता है ग्राउंड नट कोकोनट ऐसे आप किसी भी नट की बात करें ड्राई फ्रूट्स की नट के अंदर जो रहता है वो सॉफ्ट रहता है लेकिन नट स्वयं में कड़ा होता है सो so, देखिए टॉपलो कैसे प्रशंसा कर रहा है अपने उस टीचर के हेड मास्टर की एक वो बहुत डर रहा है बहुत इज्जत भी कर रहा है रिस्पेक्ट है और ये सब कहते हुए वो कहता है कि लाइक ए नट इनसाइड लाइक ए नट अंदर से नरम ऊपर से कड़े एंड ही सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम और उन्हें उन लोगों से सीम मतलब मैंने बताया महसूस होना और उन्हें महसूस होता है कि वो उन लोग और ऐसा महसूस होता है कि वे उन लोगों से नफरत करते हैं जो उन्हें पसंद करते हैं इट्स फनी दैट फनी माने विचित्र फन आना मजा फन इट्स ग्रेट फन टू गो फॉर ए पिकनिक हिस क्लास इज ए ग्रेट फन उनकी जो कक्षा है बड़ा मजा आता है और फनी मतलब विचित्र तो फन और फनी में अंतर देखिए बड़ी अजीब क्लास है यार उनकी एंड ही इज ए ग्रेट फन मतलब उनके साथ बड़ा मजा आता है वो मजा और विचित्रता का अंतर समझिए तो फन और फनी में अंतर है सो ही से

हु डजेंट लाइक बींग लाइकड बींग लाइक मतलब पसंद किया जाना मुझे ऐसा कोई दूसरा नहीं दिखता जो दूसरों के द्वारा पसंद किया जाना जिसे ना पसंद हो ऐसा टॉप लो एक के बाद एक बातें अपने विचार छोड़े जा रहा है और अपनी बातें फ्रैंक के सामने रख रहा है और वो टॉपलो की बातें नहीं है। वो की बाते हैं वो स्टूडेंट कम्युनिटी की बातें हैं बच्चों की सोच को वो सामने रख रहा है और फ्रैंक जो एक नया टीचर है एंथुजियासिक टीचर है वो बात कर रहा है और कुछ चीजें सीख भी रहा है उस बच्चे से चाइल्ड इज टीचिंग हिम समथिंग क्योंकि उसको आश्चर्य हो रहा है कि बच्चे इतना सब जानते हैं और इसको रिस्पेक्ट भी करते हैं डरते भी हैं ऐसा लग रहा है इतना डरते हैं कि मर जाएंगे लेकिन उसके बावजूद इतनी अच्छी बात टॉपलो और उसके बच्चे उस हेड मास्टर के लिए रखते हैं ऐसा अच्छा नज़रिया रखते हैं